नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। खबरों में एक बयान है और बयान बेवकूफाना है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के पर्यवेक्षक शगीर सईद खान ने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कानून बनाए जाएंगे और बीजेपी के नेताओं को फांसी दी जाएगी। आगे ये भी कह गए कि जेल में जो संदिग्ध बंद हैं उन्हें छोड़ा जाएगा और नकद इनाम दिया जाएगा। नेताजी शायद ये भूल गए कि सरकारें कानून बनाती हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है और देश की जनता भी है। कानून बनाना कोई मजाक नहीं है और उन्होंने ये जो मजाक किया है उससे कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। पर ये बताता है कि रात दिन मीडिया के लाइमलाइट में आने के लिए नेता कुछ भी बकवास करने को तैयार होते हैं। दूसरी खबर, मौलाना बदरुद्दीन अजमल सांसद हैं, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ हैं। कल एक पत्रकार ने बीजेपी या कांग्रेस से गठबंधन पर इनसे सवाल पूछा तो भड़क गए, इतना भड़के कि माइक फेंकने लगे, बोले मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। आज भड़कने की बारी पत्रकारों की थी। वो सड़क पर उतरे, प्रदर्शन किया और फिर बदरुद्दीन को माफी मांगनी पड़ी। खबरों में छात्रों की एक बस का एक्सीडेंट भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के धर्मशाला में रैली कर रहे थे। राज्य सरकार का एक साल पूरा हुआ, उसका जश्न मनाया जा रहा था। एक कंप्यूटर सेंटर के बच्चे रैली में शामिल होने जा रहे थे, रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया, 35 बच्चे घायल हो गए। ये दिन की इकलौती बुरी खबर नहीं थी। खबर केरल के कोची नेवल बेस से भी आई, जहां हेलीकॉप्टर हैंगर गिरने से 2 नौसैनिकों की मौत हो गई। अब वक्त है बड़ी खबर का, क्योंकि देश की संसद में लोकसभा ने ट्रिपल तलाक बिल को पास कर दिया है। शीतकालीन सत्र मतलब इस सरकार का आखिरी पूर्णकालिक सत्र। सत्र का आज 10वां दिन था। तय था कि बात होगी ट्रिपल तलाक बिल की। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पिछले हफ्ते ही इसे पारित कराना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष की आपत्तियां इतनी कि तब कुछ हो न सका। इसलिए तय हुआ कि 27 दिसंबर को इस पर चर्चा होगी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बात के लिए राजी थे कि 27 दिसंबर की चर्चा में वो शामिल होंगे। हालांकि मीडिया में वो पहले से ही कहते जा रहे थे कि बिल पर चर्चा करने और बिल को पारित कराने में अंतर होता है। साथ ही कांग्रेस वो बात भी दोहराती जा रही थी कि तलाक देने पर सजा जब किसी धर्म में नहीं दी जाती तो ट्रिपल तलाक बिल में सजा क्यों दी जा रही है। लेकिन आज के लिए तो मंच सज चुका था। ट्रिपल तलाक बिल मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी बिल है, जिसे बीजेपी ने नाक का सवाल भी मान रखा है। पार्टियां आज कोई ढील नहीं छोड़ना चाहती थी। यही कारण था कि इस चर्चा के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया था। व्हिप को आसान भाषा में यूं समझें कि न खाता न बही, पार्टी जो कहे वही सही। व्हिप जारी होती है तो सांसदों को पार्टी के द्वारा तय की गई लाइन पर काम करना होता है और उसी हिसाब से वोटिंग भी करनी होती है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको ये बताएं कि आज क्या हुआ, कुछ अहम सवालों के जवाब जान लीजिए। सवाल कि इतने दिन से इतनी बात चल रही है, फिर अब ये बिल क्या है? संसद में बिल पारित कराने से क्या होगा? बिल तो पहले भी आया था, उसका क्या हुआ? जवाब जानने के लिए दो शब्द सुनिए। एक होता है विधेयक, इंग्लिश में बिल। दूसरा होता है अध्यादेश, यानी अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस। अभी सरकार ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश लाई थी जो सिर्फ 6 महीने तक ही लागू रहता है। 6 महीने के पहले उसे बिल की तरह पारित कराने के लिए सदन में लाना होता है। विधेयक यानी बिल भी कानून नहीं होता, उस पर चर्चा होती है, सुझाव लिए जाते हैं, फिर वो लोकसभा और राज्यसभा में पारित होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, उनके दस्तखत होते हैं, मुहर लगती है, तब कानून बनता है। अब आपका सवाल आएगा कि अगर आज ट्रिपल तलाक बिल पर मात्र बात हो रही थी तो अब तक क्या हुआ? ये कुछ समय से इतना हो हल्ला किस बात का था? देखिए, ट्रिपल तलाक की बात शुरू हुई थी 2015 से। उत्तराखंड की शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक को चैलेंज करता केस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने शायरा के मामले के साथ 5 महिलाओं के मामलों को और जोड़ दिया और हियरिंग के लिए 5 जज अपॉइंट कर दिए। 5 जजों की बेंच ने 22 अगस्त 2017 को 3-2 से फैसला सुनाया कि ट्रिपल तलाक की प्रथा असंवैधानिक है। उन्होंने सरकार को 6 महीने के अंदर नया कानून बनाने का आदेश दिया। ये भी कहा कि कानून न बनने की सूरत में कोर्ट का आदेश कंटिन्यू रहेगा। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार लोकसभा में बिल लेके आई, वहां से पास हुआ, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। 29 दिसंबर 2017 लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया। उस समय बिल के खिलाफ सभी संशोधन खारिज हो गए थे, होने भी थे। लोकसभा में एनडीए के सदस्य ज्यादा हैं, बहुमत में हैं।
लेकिन राज्यसभा में जाकर यह बिल लटक गया। उस पर खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां इसमें संशोधन चाहती थी। वो चाहते थे कि 3 साल की सजा का जो प्रावधान है उस पर पुनर्विचार हो। साथ ही उनका कहना था कि गिरफ्तारी वाला नियम बदले। तलाक देने वाले के तुरंत गिरफ्तार हो जाने पर वो अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकता। इन सारे सवालों और अड़ंगों के बीच राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाया। फिर आया अध्यादेश। जब राज्यसभा में बात नहीं बनी तब सरकार ने इस रूट को अपनाया। 19 सितंबर 2018 को मोदी सरकार की कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी। देर रात राष्ट्रपति ने भी इस पर दस्तखत कर दिए। उसी के साथ तय हुआ कि शीतकालीन सत्र के खत्म होने से पहले सरकार को दोनों सदनों में बिल लाना होगा। उसे कानून बनवाना ही होगा, वरना अध्यादेश निरस्त हो जाएगा, सिर्फ कोर्ट का आदेश चलेगा। विंटर सेशन में इसे लाने के लिए बिल में 3 बदलाव हुए। पहला बदलाव, अब महिला का कोई सगा रिश्तेदार ही ट्रिपल तलाक दिए जाने पर केस दर्ज करा सकेगा। पहले प्रावधान था कि कोई भी केस दर्ज करा सकता था, पुलिस खुद भी संज्ञान ले सकती थी। दूसरा बदलाव, अब मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार होगा। पहले प्रावधान था कि ट्रिपल तलाक को गैर जमानती अपराध माना जाए, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। तीसरा बदलाव, अब मजिस्ट्रेट के सामने पति पत्नी के बीच समझौते का विकल्प भी रहेगा, जबकि पहले प्रावधान था कि समझौते का कोई नियम नहीं है। यह तो हुई बिल पर चर्चा। अब इस चर्चा में लोकसभा पे जो बयानों के तीर चले उन पर भी नजर मार लीजिए। इस पूरे मामले को सियासत के तराजू पर न तोला जाए, इंसाफ इंसानियत के तराजू पर तोला जाए, क्योंकि यह मामला है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान। आप देखिए मैडम, सेक्सुअल माइनॉरिटीज को 377 में चॉइस दे दिया गया, रिलीजियस माइनॉरिटीज को क्यों नहीं मिलेगा? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चॉइस जुरिसप्रूडेंस है, मुझे नहीं मिलेगा? आपका कानून रिलीजन के खिलाफ है। पूरे मुल्क में मीटू मूवमेंट हुआ, मीटू मूवमेंट खवातीन ने निकला। कहा वो मंत्री जो पिछले बार खड़े थे यहाँ पर, कहा गए बताइए? और आप आकर हमको आईना दिखा रहे हैं। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि आपके कानून से, आपके दबाव से, आपके जोर से, आपके जबर से हम अपने मजहब को फॉरफिट नहीं करेंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम मुसलमान बनकर शरीयत पर चलते रहेंगे। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। 477 बहनें आज भी है हिंदुस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी तलाक-ए-बिद्दत की शिकार हुई हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इसको इन डिटेल जाना ये जरूरी है, और खास करके जब ये कॉन्स्टिट्यूशन 13(2) कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14, 15, 21 और 29 का वायलेशन होता है, तो इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी है और एक धर्म के अंदर इंटरफियर करना सरकार, और सरकार इंटरफियर करके अपने कानून बनाना मगर किस हद तक ठीक है। इस सब के बाद कांग्रेस, डीएमके और सपा ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। बचे हुए सांसदों के बीच वोटिंग हुई। बिल के पक्ष में 245 और बिल के खिलाफ 11 वोट पड़े। नतीजा ये कि लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पारित हो गया। अब ये राज्यसभा में जाएगा। संशोधनों और चर्चाओं के बाद सुधार की गुंजाइश हमेशा बाकी रहेगी, लेकिन हमारा मानना है कि किसी भी धर्म या समाज का बनाया कोई भी नियम जो महिलाओं को कमतर आके उसे खत्म होना ही चाहिए, उसे खत्म होना ही होगा। पार्टियों की अपनी राजनीति कुछ भी हो, ये उनका सरदर्द है, लेकिन महिलाओं के हक में कोई कानून बने तो लल्लन टॉप हमेशा उसके साथ खड़ा होगा। आपको भी खड़ा होना चाहिए। आप टीवी देखते हैं, मैं कैसी बातें कर रहा हूं? आप टीवी ही तो देख रहे हैं अभी। इस टीवी के बारे में एक बात चल रही है, कहा जा रहा है कि 29 दिसंबर को आपकी टीवी पर ब्लैकआउट हो जाएगा, यानी आप टीवी चलाएंगे तो उस पर चैनल नहीं आएंगे। इसकी वजह बताई गई कि ट्राई, जो कि देश में टीवी से जुड़े नियम बनाती है, उस संस्था ने कुछ नए नियम बनाए हैं। आसान भाषा में आज हम आपको ये पूरा मामला समझाएंगे। पहला सवाल, ट्राई के नए नियम क्या कहते हैं? इसका जवाब एक उदाहरण से देते हैं। आपने कभी खाना ऑर्डर किया है? किया ही होगा। दो तरीके होते हैं, कुछ लोग थाली ऑर्डर करते हैं, अब थाली में जो भी है आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं और कुछ कम नहीं, जो रेस्टोरेंट वाले ने अपनी थाली में निर्धारित किया है वही मिलेगा। दूसरा तरीका होता है कि आप वो आइटम ऑर्डर करें जो आपका खाने का मन है, खाइए, बिल भरिए और निकल लीजिए।
ट्राई कह रही है कि अभी तक कंज्यूमर्स को यानी आपको थाली ऑर्डर करनी पड़ रही थी। अब गोभी की सब्जी आपको नहीं पसंद, लेकिन फिर भी वो आपको मिलेगी क्योंकि थाली में गोभी की सब्जी है, यानी आप पर चैनल थोपे जा रहे थे। आपने फलाना पैक लिया, उसमें आधे से ज्यादा चैनल आप नहीं देखते थे, लेकिन उनका पैसा आपको भरना पड़ता था। ट्राई चाहती है कि आप थाली या बुफे सिस्टम नहीं, अलाकार्ता की तरह खाना खाएं, जो चैनल ठीक लगे उसे ऑर्डर करें, अपनी प्लेट में रखें और आनंद उठाएं। हर चैनल की अपनी रकम होगी, आप उतना पेमेंट करिए और वो चैनल देखने लगिए। कोई भी केबल या डीटीएच ऑपरेटर उस रकम से ज़्यादा वसूल नहीं कर सकता। ट्राई ने ये निर्देश सभी, मतलब सभी उपभोक्ताओं के लिए जारी किए थे। ये सब कुछ 29 दिसंबर से लागू होना है। ऐसे में अगला सवाल, ये चैनल हम चुनेंगे कैसे? ट्राई ने इसके लिए भी सुझाव दिया है। उसने कहा है कि सभी केबल और डीटीएच ऑपरेटर्स अपनी वेबसाइट के जरिए चैनल चुनने की सुविधा दें। इसके अलावा आप अपने ऑपरेटर के कॉल सेंटर्स पर कॉल करके भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन ब्लैकआउट वाली बात तो रही गई, ये क्यों घूम रही है इतनी सोशल मीडिया पर? ऐसा कहा जाने लगा है कि देश में 29 दिसंबर को जैसे ही चैनल्स पर ये टैरिफ वाला सिस्टम चालू होगा, वो चैनल्स जिनके लिए आपको पेमेंट करना है आपके टीवी पर आने बंद हो जाएंगे। और यहीं से अगला सवाल आता है कि ट्राई ने असल में कहा क्या है? ट्राई ने साफ किया है, कोई ब्लैकआउट नहीं होगा। ये बात सही है कि ये टैरिफ सिस्टम लागू हो जाएगा, लेकिन टीवी देखने वालों को इतना वक्त दिया जाएगा कि वो अपने पसंद के चैनल चुन सकें, और तब तक सभी चैनल्स उसे दिखते रहेंगे। ट्राई ने स्थिति को साफ करते हुए कहा, ग्राहकों के हितों और बेहतर तरीके से आदेश को लागू करने के लिए अभी सभी मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए डिटेल प्लान तैयार किया जा रहा है, ताकि वे आसानी से नई व्यवस्था अपना सकें। एक और सवाल, लोग क्या कह रहे हैं? लोग असल में कंफ्यूज हैं। कहा यह जा रहा है कि जब हर चैनल के लिए पैसा देना पड़ेगा तो टीवी देखना महंगा हो जाएगा, लेकिन यहीं दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि हम तो भैया एक या दो चैनल के लिए ही टीवी देखते हैं। मसलन अगर आप सिर्फ क्रिकेट मैच ही देखते हैं, या फिर कानपुर के एडवोकेट राजेश श्रीवास्तव की तरह सिर्फ जलवा और मस्ती चैनल ही देखते हैं, तो ऐसे लोग फायदे में रहेंगे। एक बात और भी चल रही है कि कोई तय मंथली रेंटल जैसा सिस्टम भी होगा। इन सारी बातों के बारे में अभी इतना ही कहा जा सकता है कि ट्राई धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर करता जाएगा, और यही उम्मीद है कि ये हमारे टीवी देखने के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगा। आप लोग तेज चैनल जरूर ले लीजिएगा जहां पर आपका अपना शो आता है, दी लल्लन टॉप शो। चलिए, आसान भाषा में कंफ्यूजन दूर हो गया, अब बारी है झूठ पर वार करने की, यानी पड़ताल की। एक नया दिन और एक नया झूठ। चुनाव खत्म हुए तो ज्यादातर झूठ भी चुनावों को बेस बनाकर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, नतीजों के बाद कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता बुरा मानकर बैठे हैं और झूठ फैलाकर तसल्ली करना चाहते हैं, लेकिन इस बार के झूठ में शव यात्रा भी शामिल है। क्या है वो दावा, जान लीजिए। सबसे पहले कहा जा रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले की शव यात्रा निकाली गई, हमारे देश में नहीं, पाकिस्तान में। कैप्शन लिखा है, हिंदुओं तुम्हारा अंत निश्चित है, अब भी समय है, तुम्हारी आंखें खोलो। नोटा दबाने वालों को समर्पित है वीडियो। तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत पर पाकिस्तान में मोदी जी की शव यात्रा निकाली गई, वो भी भद्दी भद्दी गालियों के साथ। हिंदू अब भी नहीं जागा तो तुम्हारा अंत निश्चित है, पाकिस्तान इतना खुश क्यों हुआ, अपने आप से पूछो। आप ये वीडियो देखिए, इसके ऑडियो में कुछ कट्स सुनाई पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ गालियाँ दी जा रही हैं और हम वो सुना नहीं सकते, कोई भी सभ्य समाज नहीं सुनेगा। अब हमने शुरू की इस वीडियो की पड़ताल। ये वीडियो फेसबुक और ट्विटर पर जमकर वायरल हो रहा है। पांच राज्यों में चुनाव के बाद 11 दिसंबर को नतीजे आए, लेकिन ये वीडियो लोगों ने 23, 24 और 25 दिसंबर के आसपास सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। हमने वीडियो को ध्यान से सुना तो पता लगा इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी हाय हाय कहा जा रहा है। अब पाकिस्तान में कोई मनोहर लाल खट्टर की हाय हाय क्यों करेगा, ये सोचने वाली बात है। फिर हमें मिला भाई का फैन। वीडियो में हमें एक हाथ नजर आया जिसने वैसा ही ब्रेसलेट पहन रखा था जैसा सलमान खान पहनते हैं, जिनका आज बर्थडे भी है। हमें शक हुआ कि पाकिस्तान में सलमान के इतने फैन तो नहीं होने चाहिए। पाकिस्तानी बुरा ना माने, वो भी फैन हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी के भी और सलमान खान के भी। तभी हाथ में पहना हुआ कलावा भी नजर आया।
जो कि आमतौर पर हिंदू पहनते हैं। कुछ लोगों ने हाथ में कड़ा पहन रखा था। साथ ही नारेबाजों का उच्चारण भी पाकिस्तानी नहीं लग रहा था। आसपास के लोग भी पाकिस्तान में आमतौर पर पहने जाने वाले कुर्ते पहने नहीं दिख रहे थे। ये तो शुरुआती ऑब्जर्वेशन हुआ, जो गलत भी हो सकता है, पर यह पड़ताल है तह तक जाती है। हमने इंटरनेट का सहारा लिया तो हमें मिला द साइलेंस मीडिया नाम का यूट्यूब चैनल। वहां भी यही वीडियो दिखा। डिस्क्रिप्शन में लिखा था, हरियाणा में व्यापारियों ने निकाली नरेंद्र मोदी और खट्टर की शव यात्रा। शब्दावली पर मत जाइए, जैसा लिखा है वैसा ही आपको पढ़कर सुनाया है। इसमें नीचे आपको डेट भी दिखेगी, तारीख 9 फरवरी 2018, यानी ये वीडियो बीजेपी के विधानसभा चुनाव जो हालिया थे उनके हारने के बाद का नहीं है। YouTube पर ही दूसरे चैनल्स पर भी ऐसा ही वीडियो नजर आया। कहीं 27 अगस्त 2017 की तारीख थी तो कहीं 29 अगस्त 2017 की। अब तक ये पक्का हो गया था कि वीडियो चुनाव नतीजों के बाद का तो कतई नहीं है। YouTube के कई वीडियो पर यह भी लिखा नजर आया कि राम रहीम के भक्तों ने मोदी और खट्टर की शव यात्रा निकाली। हमने मीडिया रिपोर्ट्स को खंगाला तो कहीं इससे जुड़ी खबर नहीं मिली। कई जगहों पर ये वीडियो हिंदी भाषा में मोदी और खट्टर का विरोध करती आवाजों के साथ दिखाई पड़ा। ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि ये हरियाणा का है, जो कि सही नहीं था। हरियाणा में मोदी और खट्टर की शव यात्रा निकाली तो गई थी, लेकिन ये उसका वीडियो नहीं है। उसकी असली तस्वीर ये है। हमारी पड़ताल पूरी हुई। ये शव यात्रा व्यापारियों ने निकाली या फिर राम रहीम के भक्तों ने, ये साफ नहीं है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि ये वीडियो जिस मैसेज के साथ वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ, वो सही नहीं है। और ना ही ये लोग बीजेपी की हार का जश्न मना रहे हैं। पर पड़ताल अभी बाकी है। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ी कोई प्रामाणिक जानकारी है तो आप लल्लनटॉप को बता सकते हैं, और फिर लल्लनटॉप इसी शो में आप सबको विस्तार से बताएगा कि इसकी असलियत क्या है। ये थी हमारी आज की पड़ताल, जिसमें इस वीडियो की जानकारी झूठी पाई गई। अगर आपके पास भी कोई खबर, कोई पोस्ट, कोई ऑडियो वीडियो आता है जिसकी सत्यता पर आपको संदेह है, तो पड़ताल के लिए उसे भेजें lallantopmail@gmail.com पर। राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करें, राजनीतिक पार्टियों का विरोध करें, तर्कों के सहारे करें, झूठ और प्रपंच का सहारा कभी मत लें। ये था आज का दी लल्लनटॉप शो। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।